वफाकी तहकीकाती इदारे FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। FIA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज़ की गिरफ्तारी मांग ली। FIA स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज़ ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने अदालत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज़ की गिरफ्तारी की इस्तदआ कर दी, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। FIA क्या कहता है कि क्या इनको मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी दरकार है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी मुल्ज़िमान का मजीद किरदार साबित होना है, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी दरकार है। अदालत में FIA प्रोसिक्यूटर ने मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवा दी। लाहौर के अनारकली बम धमाके में मुलविस दो दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। वाजरे के CTD ने 17 मई को लाहौर के इलाके अनारकली में रवा साल के आगाज में होने वाले बम धमाके में मुबैना तौर पर मुलविस दो दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना का इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास स्टील मिल को गैस फ्राहमी और वजारत फूड सिक्योरिटी की तंबाकू पर टैक्स की शरहों पर नज़रसानी की समरी पर भी गौर किया गया। इजलास में स्टील मिल्स को 62.8 करोड़ पे अजरा की मंजूरी दे दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफायत शारी के तहत सख्त इकदाम करने का ऐलान किया, जिसके लिए मुमकिन तजावीज़ सामने आ गई। हमजा शहबाज़ को वज़ीर-ए-आला पंजाब के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 6 जून को समाअत करेंगे। सप्तेन खान समेत दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान मईशत को सुधारने के अमल को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि वह हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, जिससे हुक्मरानों की तवज्जो अहम अमूर से हट रही है।